नमस्कार आपण देखछन अर्गस अपडेट आपण स मदेशमी प्रथम हेडलाइंस चित्रकुंडरे माओवादी आक्रमण योजना खंड कले बीएसएफ जवान कम्बिंग बेले विपुल परिमाण विस्फोरक जबत जोड़ंबा थाना कदलीबंधा ग्राम्य जंगल ने लुचाई रखिथिले लाल बाहिनी विधानसभा एक लक्ष 74,000 कोटी बजेट उपस्थापन कले अर्थमंत्री कृषि पाई 17,468 कोटी कमिला कालिया टंका टंकिकिया चावल पाई 969 कोटी टंकार व्यवराद स्वास्थ्य क्षेत्र को अतिरिक्त 500 कोटी 22 वर्ष पर बंधा हेला अंजना गणदुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त बिबन बिश्वाल मुंबई गिरफ कला कमिशनरेट पुलिस फांसी देवाक दावी कले पीड़िता बिबन स्त्री कहले स्वामी को फसाई दिया जाए तेबे अंजना एबे माळमाळ राज्य सरकार को प्रश्न पचारुछि पीड़िता परिवार न्याय अपेक्षा रे बेबिना कुंदुली एवं कुनी परी पुलिस उपरे रहुनी भरोसा राज्य सरकार चुप मंच छाड़ी रास्तार यात्रा कलाकार 2000 दर्शकों को नहीं मागिले परिवेशन अनुमति लोयर पीएनजी रे आमरण अनुष्ठान बसले 24 रु सब जिले आंदोलन न मानिले फेरब लॉकडाउन राज्य में कड़ाकड़ी है कोविड नियम नुआ स्ट्रेन को नहीं बढ़ला सतर्कता जनस्वास्थ्य निदेशकों प्रतिक्रिया आवश्यक है खोल कोविड हॉस्पिटल एवं देशर कौन राज्य एवं दूर ना दिल्ली स्वाधीनता परठारु केन्द्र एवं राज्य मधुर दूरता रखी आसुले पूर्व सरकार वर्तमान केन्द्र सरकार राज्य भित्तिभूमि विकास संकल्पबद्ध देखिबा संपूर्ण खबर ओडिशार आय उपरे कोरोना पहार प्रभावित होछे राज्यर राजस्व आदाय विभिन्न गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में कमिछे व्यवराद एथर 1,76,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करछन्ते अर्थमंत्री कोविड काल रे गत वर्ष तुलना रे 26% अधिक रहिछे बजेट राज्य पई 1,76,000 कोटी रो बजेट विधानसभा रे उपस्थापन करछन्ति अर्थमंत्री निरंजन पुजारी 2020-21 आर्थिक वर्ष तुलना रे बजेट रो आकार 26% अधिक रही एथर कृषि क्षेत्र पर 17,469 कोटी टंकार व्यवराद करा जायछि बजेट रे प्रशासनिक खर्च 85,000 कोटी कार्यक्रम खर्च 75,000 कोटी टंका और विपर्य प्रशमन पांठि खर्च 3,050 कोटी टंका रखा जायछि बजेट रे व्यवराद अर्थ को राजस्व प्राप्ति 1,25,600 कोटी टंका और ऋण और अन्यान्य बाबदर 44,400 कोटी टंका भरण करा प्रस्ताव रखिछन्ति अर्थमंत्री अवश्य नीट ऋण परिमाण 18,465 कोटी टंका रहिबो बोली बजेट रे उल्लेख करा जायछि 2021-22 आर्थिक वर्ष लागि एक वर्धित 1,70,000 कोटी टंकार व्यय अटकल निमन्ते आमे प्रस्ताव रखुछु एथि मध्यरे प्रशासनिक व्यय निमन्ते 85,000 कोटी टंका कार्यक्रम व्यय बाबद को 75,000 कोटी टंका विपर्य प्रशमन व्यय लागि 3,050 कोटी टंका एवं स्थानीय निकाय संस्था उन्नयन संस्था को हस्तांतर पई 6,950 कोटी टंका अंतर्भुक्त एतद् व्यतीत ओडिशा खनिज संपद धारक अंचल उन्नयन निगम उम्बाडसी जिला खनिज पांठि डीएमएफ और सरकारी उद्योग मान ठारु प्राप्त 8,000 कोटी टंका बजेट बहिर्भूत संबल व्यय करा जीव जहां सरकारी खर्च बुद्धि रे सहायक हो एबे देखंतु केउ योजना रे बजेट रे रहिछि केते टंका स्वास्थ्य सेवा पई एथरो खर्च 9,164 कोटी निरामय योजना पई 600 कोटी टंका निदान पई 229 कोटी टंकार व्यवराद महिला और शिशु विकास पई 3,906 कोटी टंकार व्यवराद ममता योजना पई 279 कोटी और मिशन शक्ति बाबद को रही 316 कोटी टंका पाइप्रे पानी जल जोगाण 12,000 कोटी जल संपद विकास पई रखा जाय 8,266 कोटी टंका ओयूएटी पई खर्च हेबो 148 कोटी टंका ओडिशा मिलेट मिशन पई 106 कोटी टंका खर्च हेबो सुस्थ ओडिशा सुखी ओडिशा परिकल्पनार बजेट होले मु अनुभव करि पारले नाही मुद्रास्फीति अनुसार बजेट बढ़ी ना केवल परिसंख्यान एणे तेणे करा जाइछि भित्तिभूमि डेवलप कर ग्रामांचल लोकंर भित्तिभूमि एवं से मानकर कर्म जोगाण व्यवस्था करिवार एठी दृश्यमान हला ना युवक मानक आकर्षित करी ओडिशा प्रदेश में बांधि रखिवार योजना सरकार जरिए हो पारिनि आज पर्यंत भित्तिभूमि पई किछि टंका नाही कृषक मानक पई टंका नाही
ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା, ଆହିଁରେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ଇଏ ଧୂଆଁ ବାଡ଼। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାର ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କିଭଳି ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ତା'ର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ବଜେଟ୍କୁ ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଛି, ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 135 କୋଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା 51 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 8 କୋଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ 1,799 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,296 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ସେହିପରି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ 912 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ 396 କୋଟି, କଟକ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 24,370 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ରେ 2 ପ୍ରେସର ମାଇନ୍ ବୋମା ଏବଂ 1 ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ମେଡିସିନ୍, ବେଲ୍ଟ, ଡ୍ରେସ୍, ସାବୁନ ଏବଂ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ବାରମ୍ବାର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବୋମା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହାନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ବାରମ୍ବାର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ବୋମା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ସହ ଲୁଟ୍, ଛିନ୍ତାଇ, ହତ୍ୟା, ଧମକ ଦେଉଥିବା 5 ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଜକନିକା ପୋଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1 ବୋଲେରୋ, 2 ବାଇକ୍, 1 ଖଣ୍ଡା ସହ ମୋବାଇଲ ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। 5 ନାମରେ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ବାଙ୍କୋଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣେ 3 ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଧରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାରଣାଙ୍କ 3 ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ସାହିମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଜଣେ ଯୁବକ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାହିରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଥାନାରେ ରଖିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ। ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୁହିରା ଭୋଳ ନିକଟରେ ଏକ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହାତୀଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳଡିହା ରେଞ୍ଜର ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର।
हत्या अभियुक्त को सजा सुनाए अतिरिक्त जिला और दूरजज मयूरभंज जिले में विश्व थाना अंतर्गत बणपोखरिया गाँ जोड़िया नाल 2016 जड़े युवक को हत्या कर बणपोखरिया ग्रामर जितराय सोरेन को गिरफ्त कर घटना अनुजाई जितराय सोरेन स्त्री देह बारंबार असुस्थ होता जहाँक नहीं जितराय ग्रामर नारायण किस्कु को गुणी गारेडी करुवा नहीं सन्देह करुले नारायण किस्कु को जीवन रू मारिदे षड्यंत्र रचिते एथने से मास्टर प्लान करुले निज साथी दुर्गा मिश्रा मिसी जितराय को हत्या करुला नारायण पर जोड़िया नाल मृतदेह को फोपाड़ी देता सका गाँव लोके मृतदेह को देखि विशोई थाना को खबर देते पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत करते पुलिस एक मामला रुजू कर 24 जन साक्षी और पारिपार्श्विक प्रमाण को भित्त कर रायरंगपुर अतिरिक्त जिला और दोराजज अच्छा अनूप रंजन पट्टनायक दुई आसामी मान को आजीवन कारादंड 10,000 टंका जरिमाना कर आसवा परवर्त खबर को जेल गला अभियुक्त विमन विश्वास 1999 मसीहार बहु चर्चित अंजना गणदुष्कर्म मामलें मुख्य अभियुक्त विमन विश्वास गिरफ्त हो तेरे मुंबई में छद्म नारे पानी मिस्त्री भाव लुचुला विमन 22 वर्ष पर अभियुक्त विमन को गिरफ्त कर कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्त को फाँसी कि आजीवन कारादंडादेश दावी करते पीड़िता अंजना मिश्र पुलिस कमिश्नर कहते विमन बेले बेले कटक त्रिशूल आसुला हेले विमन पत्नी कहते स्वामी 1999 पर घर को आसीना पुलिस ऑपरेशन साइलेंट वाइपर सफल बहु चर्चित अंजना गणदुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त गिरफ 22 वर्ष पर विमन विश्वाल को गिरफ कला पुलिस 1999 बहु चर्चित अंजना मिश्र गणदुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त गिरफ 22 वर्ष पर मुख्य अभियुक्त विमन विश्वाल को गिरफ कर कमिशनरेट पुलिस मुंबईर लोनावाला ना बदल लुचि रही विमन मुंबई पुलिस सहयोग में गिरफ करी ओडिशा पुलिस विमन को साक्षी माने चिन्हट कर सीबीआई तदंत कर सीबीआई टीम कटक पहुंची विमन अर्थराशि घोषणा 1999 मसीहा जनवरी 9 तारीख राति बारंग थाना अंचल एक लोम हर्षणकारी गणदुष्कर्म घटना घटी पीड़िता गोटे आंबासडर कारे जे बंधुक बारंगर गोटे ढाबारे चाह पीते सेठार तीन जन अजणा दुर्वृत्त देखी जेतेबले पीड़िता कारे भुवनेश्वर फेरी कार को एमाने अटकाई और कार को हरणचाल कर नहीं जाइए जड़े कार चलता से मध्यरू जड़े जो स्कूटर सेमाने व्यवहार करते से कार ड्राइवर को लेकिन जाता बेलगाछिया मोहला पाखे सुनसान जगह देखिकी से गण दुष्कर्म करते परे सेमानों मध्यरू जड़े भालुका जंगल को नहीं दुष्कर्म कर प्राय 3-4 घंटा धरी अपराधी माने ये जघन्य कांड घटे अभियुक्त विमन विश्वाल को धरवा को 3 मास पूर्वरु जाल बिछाई कमिशनरेट पुलिस एथिपाई आरंभ करथिला ऑपरेशन साइलेंट वाइपर ए अभियान रो नेतृत्व नैथिले कटक डीसीपी प्रतीक सिंह आउ सेथिरे तांको सहयोग करथिले स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर अजय दास बादमबाड़ी थाना बारंग थाना अधिकारी विपन रो सहयोगी माने विपन को पीके नारे डाकुथिले जारो फुल फॉर्म थिला बारंगो किंग विपन त्रिशूलिया रे आसी किछि दिन पई रहिथिला विपन पुओ माने ताथरु केमिति पैसा पाउछंती तारो खोलताल परे जोड़ा पड़ा नाम बदल आंबी भैली रोला विमन जो तार ना था जलंधर स्वईं आठ से पानी मिस्त्री भाव आत्मगोपन कर नकली ना रखी भोटर परिचय पत्र आधार कार्ड समेत बैंक पासबुक भी जलंधर ना तेरे विमन त्रिशूलिया आसी पुलिस कमिशनर कहता बेले विमन स्त्री कहते 1999 मसीह विमन घर को फेरी ना से भयर कड़े चली जाते फसाई दिया जाए से दोषी कि निर्दोष ताहा कोर्ट प्रमाण करिवे से नराज ब्रिज निर्माण कार्य दिन मजुरिया भाव काम करुथिले आदि सकाळे न्यूज रु खबर जानिली बोली कहिछंती विपन को स्त्री से तार परिवार सहित अति चतुरतार सहित संपर्क रखिथिला अन्य मानको जरिया रे खबर पठोउथिला एपरि कि आर्थिक सहायता मध्ये दउथिला इयाडे परिवार वर्गंको कहउथिला उद्यम कर मोर डेथ सर्टिफिकेटटा बाहर करिया पई एवं परिवार वर्ग बहुत थरो उद्यम करुथिले कौन से प्रकार आम ठार गोटे किसी लेखा नहीं
डेथ सर्टिफिकेटा बाहर करेंगे नराजे काम करते मत कह जाऊँ बिल आने को गले बिल आने को बिल आने सन्दे राति नौटा दसटा बेलू आसिले आसिक कहली कौन एत शीघ्र आसल भारी ना ना मुझे आसली आउ से गाड़ीटा को मोर नहीं जाइए मत आई कहले से कहीकि गले फेरी सका देख ला बेलू गाड़ी थुआई तापर आसिक तो घंटा चकटा पुलिस ये शुणाला जमी गोटे केस से सब घंटा जगटा कले घर दुआर छीन छतर आसिक कले पुलिस पुलिस सब घंटा घंटी कले मत जो जहाँ कुहा कुहि कले आपर तो सन्धान किसी पाइली पिपन गिरफ पुलिस और न्यायालय शुभ खबर तत्कालीन हाइकोर्ट विचारपति पुलिस धन्यवाद देवी जे इते दिन पर गोटे लोक को सेने खोजी खोजी भारत भाई एत बड़ देश बाहर कर पारे साधारणत तो जो मैंने जघन्य कार्य कर मन मन भावुंत आमको कहीं धरीपरिवे तो आम बहुत चलाक आम आम पिछा के घटना गुड़ाक निश्चित भाव में भूल प्रमाणित करदेला एत वर्ष पर यह पुलिस द्वारा अरेस्ट है मुख्य अभियुक्त विपन विश्वाल गिरफ्तार अभियुक्त को फांसी न आजीवन कारादंडादेश हेउ बोली दाबी करिसेंति पीड़िता अंजना मिश्रा कहिसेंति गत 20 वर्ष भितरे मते मारि देबाकू चेष्टा करा जाइथिला पासी बंद रखिबाकू भय देखाउथिले कांग्रेस कर्मी सुश्री कानून को महंती लोक लगाई तांको घर को पत्थर मारिथिले बोली अभिजोग करिसेंति अंजना तथापि अभियुक्त को धरिबारे बहुत समय लागिगला सीबीआई तदंत करी सत बाहर करिबो बोली आशा रखिंट अंजना मत प्राण से मारिदे चेषा कर मो घर को पत्थर मार्च जवान मैंने आसी मो घर को पत्थर मारिकी मुह पार्टी कई मुह पार्टी कर बंद कर रह बोली मत थ्रेटनिंग दूसरे मो घर मुझे रही मत ये हरा कले बहुत स्ट्रगल मुझे कर 20 इयर्स शेष सुधांशु षडंगी सरकार उद्यम से धरा पड़ी विपन विश्वास 1999 भुवनेश्वर बारंग रास्तार होता गणदुष्कर्म अभियोग यह लोमह सरकारी घटना जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक मुख्यमंत्री पद चली जाता आदल में केन्द्र कांग्रेस हाइकमांड गिरिधर गमांग को मुख्यमंत्री आसन में बसाई अभियोग अनुसार घटना दिन पीड़िता जड़े सांबादिक बंधु कारा करुले भुवनेश्वर उपकंठ बारंग निकट में तीन जन दुर्बृत्त से पथरोध करते बंधु सामने गणदुष्कर्म कर अभियोग आमलें 1999 जनवरी 26 तारीख दिन दुई जन को गिरफ्त कर पुलिस हाइकोर्ट मामलार तदंत दायित्व सीबीआई को देवा निर्देश देते पूर्व गिरफ दुई अभियुक्त आजीवन सजा काटुवा प्रदीप साहूर मृत्यु होता बेले धीरेन्द्र एवं जेल कटकु विश्वजीत दास इमरान खान रिपोर्ट देशर कौन से राज्य एवं दूर नुहे दिल्ली स्वाधीनता परठारु केन्द्र एवं राज्य मध्ये दूरता रखी आसुले पूर्व सरकार हेले वर्तमान केन्द्र सरकार राज्यर भित्तिभूमि विकास पर संकल्पबद्ध आसामर 3,222 कोटी टंकार उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन अवसर में एक कहते प्रधानमंत्री देशर कौन राज्य एवं दूर नुहे दिल्ली स्वाधीनता परठारु केन्द्र एवं राज्य मध्य दूरता रखी आसुले पूर्व सरकार वर्तमान केन्द्र सरकार राज्यर भित्तिभूमि विकास पर संकल्पबद्ध आसाम रे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित है 3,222 कोटी टंकार उन्नयनमूलक प्रकल्प प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जोगदे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सोमवार आसाम गस्त करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह अवसर में द्वारा उद्घाटित होता 3,222 कोटी टंकार तीनोटी उन्नयनमूलक प्रकल्प पेट्रोलियम क्षेत्रर एक तीनोटी प्रकल्प उद्घाटन करने समय सहित सभार उपस्थित थे केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी एवं राज्यर केतेक मंत्री एही अवसर में धीमाजी ठारे आयोजित एक विशाल जनसभा को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहते पूर्व सरकार समय आसाम एवं अन्य उत्तर पूर्वांचल राज्यगुडी अवहेला मात्र एबेकार केन्द्र सरकार यही अंचल विभिन्न भित्तिभूमि विकास में प्रतिबद्ध अछंती स्वाधीनता परठु शासन क्षमता थिबा दलगुड़िक आसाम राजधानी दिसपुर को दिल्ली ठारु दूर बोली भाबी आछंती मात्र बीजेपी सरकार अमल में दिल्ली एबे दूर नहीं
ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। पूर्व सरकार आसाम प्रति वैमातृक मनोभाव देखा सहित एठारे जोगाजोग स्वास्थ्य शिक्षा शिल्प इत्यादि को अवहेला करथिले, जहां फळरे ए अंचल विकास क्षेत्र रे पछे जायछि। तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। अंचल विकास में आसाम रो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एवं केंद्र सरकार मिलित भाव में विभिन्न पदक्षेप नहींचंती। उभय केंद्र और राज्य सरकार भित्तिभूमि विकास में काम करछंती। आसाम भोली राज्य अनेक दृष्टि समृद्ध, मात्र पूर्व सरकार द्वारा विकास कार्य को अणदेखा करा जायछि। आसाम रो कला संस्कृति भल सिनेमा को जन्म देछि, जहाँ पर्यटन हस्तंत एवं हस्तशिल्प राज्य को सशक्त करने सहित आत्मनिर्भर करेबोली आशा प्रकाश कर प्रधानमंत्री। नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहाँ की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया। एही अवसर रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजर अभिभाषण रखी कहिथिले, पूर्वोदय भारत पई आसाम रो विकास निहाती आवश्यक। मोदी सरकार को समय रे आसाम रो विकास पई किपरि पदक्षेप निया जायछि से बाबद रे प्रकाश करथिले केंद्र मंत्री। 95,000 करोड़ रुपया की निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश में आसाम में आज हो रहा है। दो फायदा होगा, आसाम की नौजवानों की रोजगार, आसाम की सरकार को संपन्नता और रेवेन्यू मिलेगी, आपकी विकास होगा। इसलिए मैं समूचा पूर्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आसाम गस्त समय प्रधानमंत्री द्वारा तीनोटी पेट्रोलियम प्रकल्प सहित धामाजी इंजीनियरिंग कॉलेज उद्घाटित होता। यह व्यतीत सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य शिलान्यास करथिले प्रधानमंत्री। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। समसारे छ बुलेटिन के रखिबा, अधिक पई आपण विजिट कर पारे हम वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।